नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन में आईजीबीटी बेस्ड होटल लोड कन्वर्टर क्या होता है। ये ट्रेन का सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। ये इंजन है, ये पावर कार है, ये कोच है जहाँ पे हम लोग जाके बैठते हैं सफ़र करने के लिए। ये कोच बहुत सारी होती हैं, हमने खाली एक दिखाई है। और ये पेंट्री कार है, और ये ओवरहेड लाइन है सिंगल फेस 25 केवी की, जिससे इंजन को चलाने के लिए सप्लाई मिलती है। और ये पेंटोग्राफ है, और ये पटरी है नीचे। अब इस ट्रेन में दो तरह के लोड होते हैं, एक तो इंजन का जिसकी सप्लाई इससे आती है, और दूसरा कोच और पेंट्री कार का। अब जो कोच और पेंट्री कार का लोड है वो हमने यहाँ दिखाए हैं। वो लोड कौन से होते हैं? लाइट्स होती हैं, फैंस होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, और पेंट्री कार इक्विपमेंट्स होते हैं। इनमें से कुछ लोड एसी 415 वोल्ट थ्री फेज से चलते हैं, और कुछ लोड 110 वोल्ट सिंगल फेज से चलते हैं। तो ये सप्लाई कहाँ से आती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो ईओजी एंड ऑन जनरेशन, और एक होता है एचओजी हेड ऑन जनरेशन। जो होटल लोड कन्वर्टर है वो दूसरी कैटेगरी में आता है, एचओजी में आता है। तो पहले हम ईओजी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम आपको एचओजी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने ईओजी एंड ऑन जनरेशन का मेथड दिखाया है। ये जो कोच है, कुछ लोड 415 वोल्ट थ्री फेज एसी से चलते हैं, और कुछ 110 वोल्ट सिंगल फेज एसी से चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना एक पावर कार। तो पावर कार में एक डीजी सेट होता है, डीजल जनरेटर सेट, जो डीजल से चलता है, और उसका आउटपुट होता है एसी 750 वोल्ट थ्री फेज। तो ये 750 वोल्ट जनरेट करता है, 415 नहीं, 750 थ्री फेज एसी। और ये सब कोच में जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक वायर दिखाया है, मगर तीनों फेस होते हैं और सारे कोचों में जाते हैं। अब देखिए इसके इसके बीच में कनेक्शन है। अगर ये कोच और ये कोच आपको हटाना है तो मुश्किल होगी। तो ये अरेंजमेंट वहां करते हैं जहां पे ये हमको बार बार अलग नहीं करना पड़ता। तो यहां पे हमको डीजी सेट से थ्री फेज 750 वोल्ट एसी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, कोच के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 750 वोल्ट को 415 वोल्ट थ्री फेज एसी में बदल लेते हैं, और इसी से हमको 110 वोल्ट सिंगल फेज एसी भी मिल जाती है। ऐसा ही हम सब कोचों में करते हैं। इसमें पावर यहां से नहीं आ रही, यहां पे डीजल जनरेटर से जनरेट हो रही है पावर। अब इसको ईओजी क्यों बोलते हैं, एंड ऑन जनरेशन? वो इसलिए कि जो पावर कार या डीजी सेट होता है वो ट्रेन के दोनों एंड में होता है, इस तरफ भी और दूसरे एंड में भी। इसको बोलते हैं इसीलिए ईओजी एंड ऑन जनरेशन। अब हम ये ईओजी बताया, एचओजी पर आते हैं। ईओजी में और एचओजी में ये वो ही रहता है, खाली यहां चेंज होता है। ये देखिए, ये आ गया एचओजी हेड ऑन जनरेशन। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम डीजल जनरेटर सेट नहीं लगाते, एक होटल लोड कन्वर्टर लगाते हैं। ये एचएलसी लगा है, इसको इनपुट पावर मिलती है इंजन से। इंजन में एक ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कई वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग इंजन चलाने के काम आती है, और एक होटल लोड वाइंडिंग होती है जो 960 वोल्ट वन फेज की होती है। वो सिंगल फेज सप्लाई एचएलसी में जाती है।
HLC क्या करता है, ये सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज 750 वोल्ट AC में बदल देता है 50 हर्ट्ज। तो अंतर क्या हो गया, पहले हम DG सेट से AC जनरेट कर रहे थे 750 वोल्ट, अब हम सिंगल फेज से इसको जनरेट कर रहे हैं। अब हम आपको होटल लोड कन्वर्टर के बारे में बताएंगे। अब ये होटल लोड कन्वर्टर HLC का ब्लॉक डायग्राम है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। अब इसको होटल लोड कन्वर्टर क्यों कहते हैं, अभी हमने बताया इसमें लोड्स होते हैं कोच में और पेंट्री कार में, लाइट्स होती है, फैंस, एयर कंडीशनिंग और पेंट्री कार इक्विपमेंट। तो ये जो लोड होते हैं ये इलेक्ट्रिक ट्रेन में होटल लोड कहलाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होटल लोड कन्वर्टर। अब ये HLC में चार पार्ट्स होते हैं, एक होता IGBT बेस्ड AC to DC कन्वर्टर, या आप इसको रेक्टिफायर कह सकते हैं, दूसरा DC लिंक, तीसरा इन्वर्टर, चौथा फिल्टर। ये क्या करता है, यहाँ पे सिंगल फेज AC मिल रहे हैं ना हमको, वो सिंगल फेज को DC में बदल देता है, और ये DC लिंक है तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये IGBT बेस्ड इन्वर्टर क्या करता है कि इस DC को थ्री फेज AC में बदल देता है, और ये फिल्टर क्या करता है, यहाँ पे जो थ्री फेज AC मिलती है उसमें हार्मोनिक होते हैं तो फिल्टर हार्मोनिक्स को कम कर देता है, और यहाँ पे हमको मिल जाता है थ्री फेज AC 750 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपने VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के बारे में सुना होगा, वो इंजन में यूज करते हैं, वहां पे फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बदल नहीं रही, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फिक्स है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज भी फिक्स है। अब आप कहेंगे इतना सब क्यों करना, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि यहाँ पर आपको सिंगल फेस AC मिलती है और यहाँ पे आपको थ्री फेस AC चाहिए, तो हमें ये सब लगाना पड़ता है। दूसरा कारण है कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है हमको ओवरहेड लाइन से ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की बदौलत, वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, 670 से 1150 वोल्ट तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको इतना चेंज नहीं चाहिए, यहाँ आपको फिक्स चाहिए, इतना वेरिएशन अलाउ नहीं है, तो वोल्टेज भी स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये सिंगल फेज को AC में बदल देता है और सिंगल फेज के वेरिएशन को भी कम कर देता है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी बहुत चेंज होती है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत कम चेंज होती है, तो हमें 750 वोल्ट थ्री फेज AC 50 हर्ट्ज स्टेबलाइज सप्लाई मिल जाती है। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।